हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक छोटा सा सी प्रोग्राम का बना के उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिस्कस किया है, जिसमें जो है हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया था। अब इसमें और चीज़ें आगे डिटेल में और डीप में बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि सी प्रोग्राम को उसका कंपाइलेशन और उसको हम कैसे जो है एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, ये चीज़ भी आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर आसानी रहेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पर्पस से ये बहुत ज़रूरी है, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ए सी प्रोग्राम, ठीक है। तो कि सी प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इसमें क्या होता है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या होता है आपका कि जब भी हम सी प्रोग्राम को अपने सी प्रोग्राम को बना लिया, तो सी प्रोग्राम को बना लिया मतलब सबसे पहली बात तो है कि जो सी प्रोग्राम हम राइट करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का, तो सी प्रोग्राम को हम लिखते हैं या और आसान लैंग्वेज में बता दें टाइप करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड से, इसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, स्पेशल प्रोग्राम कह लीजिए होता है या एप्लीकेशन कह लीजिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड एडिटर। यानी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक एक एडिटर की ज़रूरत होती है, पहली चीज़ तो ये है। और एक बार जब एडिटर में आपने प्रोग्राम टाइप कर लिया, वंस द प्रोग्राम इज टाइप्ड इन द एडिटर इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज। तो जब आपने ये सी प्रोग्राम को एडिटर में टाइप कर लिया इसको, तो क्या होगा, ये आपका सोर्स प्रोग्राम बन गया, ठीक। अब ये जो सोर्स प्रोग्राम है ये तो आपका सी लैंग्वेज में है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ताकि कंप्यूटर समझ सके, मतलब मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि वन ज़ीरो की फॉर्म में, जीरोज एंड वंस की फॉर्म में। तो ये सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ये एक स्पेशल प्रोग्राम रहता है, दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, इस सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो कंपाइलर वेंडर होते हैं, अब आ जाइए थोड़ा मार्केट या प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो कंपाइलर वेंडर होते हैं, वो कंपनियाँ जो कंपाइलर प्रोवाइड करती हैं, वो जनरली एक आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करती है। दे प्रोवाइड्स एन आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक। तो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि वो जो आईडी प्रोवाइड करती हैं उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, उसमें एडिटर भी होता है और कंपाइलर भी होता है। तो ये कंबाइंड रूप से ये जो कंपाइलर वेंडर कंपनीज हैं वो इनको प्रोवाइड करती हैं, ताकि ये नहीं कि आपको कंपाइलर कहीं से लेना पड़े और उसके पहले एडिटर कहीं से लेना पड़े, आपस में कॉम्पेटेबल हो ना हो, फिर प्रॉब्लम यूज़र को। इसलिए इन जनरल जो भी कंपनी कंपाइलर वेंडर्स कंपनी जो है वो पूरा आईडी ही प्रोवाइड करती हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और आईडी में क्या होता है, कंपाइलर भी होता है प्रोग्राम को टाइप करने, सॉरी एडिटर भी होता है प्रोग्राम को टाइप करने के लिए, और कंपाइलर होता है प्रोग्राम को exe फाइल में, डॉट exe फाइल में कह लीजिए, या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बतानी थी। अब वैसे तो देखिए आईडी जो है, जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, वैसे तो कई आईडी जो है अवेलेबल हैं इस समय मार्केट में, ठीक है। और क्यों कई अवेलेबल हैं, कि दे आर टारगेटेड टुवार्ड्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई आईडी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल है, कोई आईडी किसी भी किसी दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पेटेबल है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि जैसे टर्बो सी, अब ये टर्बो सी जो आईडी है या टर्बो सी प्लस प्लस,
ये जो आईडी अवेलेबल है मार्केट में, ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करता है? ये काम करता है एमएस डॉस के साथ। एमएस डॉस आप सब लोग जानते होंगे एमएस डॉस के बारे में, ठीक है? तो एमएस डॉस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे ये टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस काम करता है, ठीक है? अब ऐसे ही आपने कहा कि सर विंडो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पे फिर कैसे हम सी रन कराएंगे विंडोज़ पे? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कराने के लिए विजुअल स्टूडियो आता है, विजुअल स्टूडियो, और विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस, विजुअल स्टूडियो भी है और विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस ये भी एडिशन है। तो ये दोनों किस पे रन करते हैं? ये दोनों आपके रन करते हैं, ये वो कंपाइलर हैं जो रन करते हैं किस पे? विंडोज़ पे, दे रन अंडर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? ऐसे ही हम लोग और बात करें आपकी कि ऐसे ही आते हैं नेट बीन्स कंपाइलर, दे आर कॉल्ड नेट नेट बीन्स, दे आर कॉल्ड नेट बीन्स कंपाइलर, ठीक है? ये कंपाइलर किस पे रन करते हैं? दे कम दिस कंपाइलर वर्क्स अंडर लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये किस पे काम करते हैं? लिनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो ऐसे देख रहे हैं आप, अलग अलग आईडी आती है। एमएस डॉस पे अगर आपके पास एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है तो इस कंपाइलर से काम हो जाए, आईडी से काम हो जाएगा, कंपाइलर कह लीजिए, मतलब कंपाइलर प्लस एडिटर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विजुअल स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस में आप अपना सी का प्रोग्राम रन करा सकते हैं। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप नेटबीन्स कंपाइलर का यूज़ कीजिए। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट आपके ये आईडीज अवेलेबल हैं। अब इसमें एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि जो टर्बो सी प्लस प्लस और नेटबीन्स कंपाइलर हैं, दे कैन ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड ऑन मशीन्स रनिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ये जो टर्बो सी है, टर्बो सी, टर्बो सी प्लस प्लस और नेटबीन्स, ठीक है? ये तीनों जो आईडी है ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं, ये आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इंस्टॉल किए जा सकते हैं। तो यही सब प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि फिर आप आगे आपको प्रोग्राम कंपाइलेशन में, एग्जीक्यूशन में, इन सब में जो है कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? अब इसमें क्या है कि अब जैसे कॉस्टिंग वगैरह की बात कर लें, तो इसमें जो विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस एडिशन है और नेटबीन्स कंपाइलर है, दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? इसमें जो आपका विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस एडिशन, विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेस एडिशन, ठीक, एंड जो नेटबीन्स कंपाइलर है, ठीक है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट इनको यूज कर सकते हैं, दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको अगर आपको ये आपको चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैं आपको साइट बता दे रहा हूँ, इसको आप से www.microsoft.com, microsoft.com/express/downloads, यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी प्राइस के। और नेटबीन्स कंपाइलर से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये आप निकाल सकते हैं www.netbeans.org से, netbeans.org से। तो ये जो कंपाइलर है आपके, ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अब इसमें एक चीज ये आती है कि अगर आपको नेटबीन्स इंस्टॉल करना है लिनक्स पे, तो आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, ठीक? तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, उबंटू लिनक्स जो है, यू
BUNTU, Ubuntu Linux, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, कहाँ से? www.ubuntu.com, UBUNTU.com, यानी यहाँ से पहले आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद आप जो है नेटबीन्स कंपाइलर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इंस्टॉल प्रोसेस है और डिटेल कंपाइलेशन स्टेप्स है, तो वो अलग अलग, जैसे विजुअल स्टूडियो एक्सप्रेशन एडिशन के लिए अलग है और आपका एमएस डॉस के लिए अलग है, तो इसमें हम ये सोचते हैं कि आपको अभी शुरू में हम आपको कंपाइलेशन यूजिंग TC, टर्बो सी या टर्बो C++, इसके जो स्टेप हैं ये हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगी, आप खुद ही अपने लैपटॉप पे सिस्टम पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो स्टेप्स को समझ भी लीजिए, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि इसमें हम लिखें कि कंपाइलेशन कैसे शुरू करेंगे। आप एकदम प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं, कंपाइलेशन यूजिंग आइदर टर्बो सी हो गया या टर्बो C++, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम ये कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, अब स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना होगा। पहला स्टेप, सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, गो टू ये डॉस प्रॉम्प्ट पे या सी प्रॉम्प्ट कह लीजिए, इस पे आप पहुंच गए, ठीक। सेकेंड स्टेप आप क्या करेंगे कि द कंपाइलर TC.exe इज यूजली प्रेजेंट इन C/TC/bin डायरेक्टरी, सो चेंज टू दैट डायरेक्टरी बाय टाइपिंग। यानी जनरली क्या होता है, जनरली अगर आपने कंपाइलर इंस्टॉल किया हुआ है तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, सी ड्राइव के, टीसी लाइब्रेरी के बिन फोल्डर में, यहाँ पे होता है। तो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचना होगा, तो उसको पहुँचने के लिए आपको चेंज डायरेक्टरी, वो जो डॉस के जो कमांड है वो आपको देने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले टाइप करना पड़ेगा सी प्रॉम्प्ट पे, ये सी प्रॉम्प्ट है आपका, यहाँ आप टाइप करेंगे CD, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, ये डॉस का कमांड है, ठीक। और आपने तो कहाँ पे जाना है, हमको, हमने लिख दिया C/TC/bin, हमको यहाँ पे आना है, ये हमने लिख के एंटर कर दिया, ठीक। तो जब इसको आप लिख के एंटर करेंगे तो क्या होगा कि लिख के आपने इसको बिन को एंटर कर दिया, ठीक। अब रन द कंपाइलर बाय टाइपिंग, अब इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे आप चेंज द डायरेक्टरी मतलब डायरेक्टरी आपने चेंज कर दी, अब कंपाइलर रन कराना, आप TC करके एंटर कर दीजिए, ठीक। तो इससे क्या होगा, रन द कंपाइलर, कंपाइलर रन करने लगेगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 2 उधर हो गया था, ये मान लीजिए 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द फाइल मेनू, सेलेक्ट न्यू फ्रॉम द फाइल मेनू, फाइल मेनू पर क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें से न्यू सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अब जब नई फाइल खुल जाएगी उसमें आप क्या कीजिए, अपना प्रोग्राम टाइप, द प्रोग्राम प्रोग्राम टाइप कर दीजिए, टाइप करके आपने सेव कर दीजिए। तो सेव कैसे करेंगे, सेव द प्रोग्राम यूजिंग F2, F2 जो फंक्शन की बनी रहती है कीबोर्ड पे, उस पर सेव कर दीजिए, वो नाम पूछेगा, नाम दे दीजिएगा, अंडर हमने लिख दिया, अंडर ए प्रॉपर नेम, तो कोई भी नाम अपना दे दीजिएगा आप और सेव कर दीजिएगा उसको, ठीक। अब सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, से फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी, आपने एग्जाम्पल से आपने ऐसे कहा कि आपने उसको नाम दिया प्रोग्राम या प्रोग 1, तो प्रोग 1.c करके वो सेव हो जाएगा, ठीक। .c एक्सटेंशन अपने आप आ जाएगा अगर टर्बो सी कंपाइलर है, और .cpp आ जाएगा अगर टर्बो C++ कंपाइलर है, ठीक।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे कि यूज कंट्रोल F9 टू कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो जब आप ये सेव करेंगे उसके बाद आप कंट्रोल प्लस F9 की, कंट्रोल की के साथ साथ F9 की दबा दीजिए, तो इससे क्या होगा, एंटर, इसको दबा के एंटर कर दीजिए। ठीक, इससे क्या होगा कि प्रोग्राम कंपाइल भी हो जाएगा, कुछ एरर होगी वो दिखाएगा, और अगर एरर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, एरर होगी तो उसको दूर कर लीजिएगा जिस लाइन में दिखा रहा है, फिर कंट्रोल F9 करिएगा अपना, जब जीरो एरर होगी तो वो जीरो एरर दिखा के रन कर जाएगा प्रोग्राम, और उसके बाद प्रोग्राम रन कर जाएगा, फिर आपको आउटपुट देखना है भाई प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया। तो आप क्या करेंगे, यूज अल्ट की के साथ आप F5 दबा दीजिए, अल्ट प्लस F5 एंटर। ठीक, तो अल्ट प्लस F5 आप दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि यू कैन सी द आउटपुट, व्यू द आउटपुट। तो ये स्टेप्स होते हैं, आई होप कि आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा। इसको आप अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे करके देखिएगा, इतना दिक्कत वाला काम नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी सी के प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रिकॉशन की चीज़ें होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।